Guys, trust me, because of this, you are not getting sales in affiliate marketing. हुआ ये कि किसी ने मुझे सेंड किया इंस्टाग्राम पे मैसेज कि सर, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तौहीद अहमद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपको सेल नहीं आ रही है। सो किसी ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और वो पूछने लगा, सर मैं लैंडिंग पेजेस बना रहा हूँ, मैं हर कुछ सही से कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो कर रहा हूँ, पर मुझे सेल क्यों नहीं आ रहा है। देन मैंने कहा कि ओके, जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं बात करूंगा, राइट। सबसे पहली चीज तो मैं यही कहता हूँ जब अगर मैं बिजी रहता हूँ। सो मैंने पहले ये चीज उसको कही है, एंड देन मैं अगेन जब मैं रात में उसे मैसेज किया एंड आई आस्क कि अपना लैंडिंग पेज दिखाओ, राइट। सो उसने लैंडिंग पेज का लिंक भेजा एंड आई स्टार्ट सर्चिंग लाइक क्या प्रॉब्लम है लैंडिंग पेज, राइट। मैंने पूरा लैंडिंग पेज चेक किया, वहां ऐसा कोई भी वर्ड नहीं था जो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज को बाय करने में, सबसे बड़ी गलती। बिकॉज यू नो कि आपकी जो दुकान है वो लैंडिंग पेज है, ऑनलाइन में आपकी वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, वो आपकी दुकान है। तो उस दुकान को आपको बहुत अच्छे से सजा के और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है ताकि लोगों को इम्पैक्ट करे वर्ड्स। यू नो अबाउट कॉपी राइटिंग, कॉपी राइटिंग और एक कॉपी राइटर क्यों इतना हाई इनकम स्किल बोलते हैं उसको, एक कॉपी राइटर के इनकम को, बिकॉज यही फायदा है। जब आपके वर्ड्स इम्पैक्ट करते हैं तब कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को बाय करता है। तो जब भी आप कभी भी लैंडिंग पेजेस बना रहे हो तो वहां पर वर्ड्स का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल देके देखूं, नो द फैक्ट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। नो द फैक्ट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, एंड अगर मैं ये कहूं नो द सीक्रेट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, तो आप दोनों में से कौन सी लाइन को चूज करोगे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, कमेंट करके बताओ कि दोनों में से कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। नो द फैक्ट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, नो द सीक्रेट अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। आप नीचे कमेंट करके बताओ कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको ज्यादा इंपैक्ट कर रही है। तो वो चीज मैंने उसको समझाई कि भाई देखो, तुम्हारा जो कॉपी राइटिंग का गेम है इस पेज पे, वो बहुत ज्यादा नीचे लेवल का गेम है, बहुत ज्यादा इसको लेवल अप करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो तुम कॉपी राइटिंग पे काम करो। देन उसके बाद मैंने बहुत सारी और भी चीजें चेक की, लाइक उसके बटन्स। उस पेज पे सिर्फ एक बटन था, राइट। एक बहुत लंबा सा पेज है लैंडिंग पेज, एंड उस पर एक बटन है। इट्स अ बिग मिस्टेक। अगर वहां एक वीडियो है तो एक बटन इट्स ओके, बट वहां एक वीडियो है, देन उसके बेनिफिट्स हैं, देन उस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कि तीन बटन आपको यहाँ पर लगाने हैं। तीन आपने सेक्शन लिख दिए, तीन बटन आपको यहाँ चाहिए। बिकॉज बहुत बार बायर क्या करता है, एक पैराग्राफ पढ़ता है वहां से चले जाता है। तो वो अगर वहां पर उसके पास बटन होगा तो वो चेक करेगा कि इसकी कीमत क्या है या ये कैसा प्रोडक्ट है, और हो सकता है वो बाय कर ले, क्योंकि हमें उसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे चांस देना है कि वो बाय करे, बिकॉज हमारा इंटेंशन यही है कि हमारे प्रोडक्ट सेल हो, राइट। तो कॉपी राइटिंग में गलती हुई, देन उसके बाद ये लैंडिंग पेज को कैसे बनाना है उसको यही नहीं पता, कहाँ पर क्या सेट करना है, कहाँ क्या नहीं सेट करना है। देन उसके बाद मैंने ये जब दूसरी गलती फाइंड की तो मैंने तीसरी गलती देखी। तीसरी गलती, मैंने उसका पूरा लैंडिंग पेज पढ़ना स्टार्ट किया। तो यू नो कि मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, इवन मैंने अपने कोर्स में भी बताया है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी आपको, राइट। उसमें भी मैंने बताया एफिलिएट मार्केटिंग का जो मेरा कोर्स है, या आप बोल 777empire.in में भी, कि लैंडिंग पेज को बनाने के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है, और उसको बोलते हैं हुक, स्टोरी एंड ऑफर, राइट। अब उसका ना हुक था ना स्टोरी थी, सिर्फ ऑफर था। तो अगर आप लोगों को हुक नहीं करोगे, मतलब कि ऐसी कोई लाइन नहीं लिखोगे जो कॉपी राइटिंग से आती है, लाइक नो द सीक्रेट बिहाइंड दिस गेम, राइट, नो द सीक्रेट बिहाइंड दिस गेम, ऐसे करके कोई लाइन नहीं लिखोगे तो लोग उस पर फोकस से नहीं देखेंगे, राइट। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हुक। उसके लैंडिंग पेज में हुक नहीं था। जब तक आपके लैंडिंग पेज में हुक नहीं रहेगा तो लोग आपके लैंडिंग पेज को कैसे चेक करेंगे? इसको ऐसे समझो जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आप अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो तो आपकी तरफ कोई आकर्षित नहीं होगा, राइट। पहले तो आप अट्रैक्टिव दिखोगे ना, तब आपके तरफ आकर्षित होगा, तब वो आपके बारे में जानेगा, मतलब कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझो, एक अच्छी लड़की है जो बहुत सुंदर दिख रही है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, राइट, क्योंकि वो सुंदर दिख रही है। बट जब आप उसके तरफ अट्रैक्ट हुए, उसके बाद आपने उसके बारे में जाना कि उसका व्यवहार कैसा है, अच्छा है बुरा है, उसके बाद ही जानोगे ना। पहले तो अट्रैक्ट हुए तो उसको बोलते हैं हुक।
तो वैसे ही आपके लैंडिंग पेज में एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो आपके कस्टमर्स को हुक कर, राइट। एंड देन उसके बाद आती है स्टोरी, जैसे उस लड़की का बिहेवियर कैसा है। आप उसके बाद जानोगे, जब उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बारे में समझोगे, तब आपको पता चलेगा कि उसकी स्टोरी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है। वैसे ही आप जब अपने लैंडिंग पेज का हुक सही से लिखोगे, तो देन बंदा आपकी स्टोरी की तरफ, मतलब आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल करेगा, पढ़ेगा कि इस प्रोडक्ट में आप क्या क्या दे रहे हो, तो उस चीज को बोलते हैं स्टोरी। एंड देन उसके बाद ऑफर, द कॉल टू एक्शन बटन। तब आप उसको बोलोगे कि ये इतना परसेंट छूट चल रहा है, 90% ऑफ है या 60% ऑफ है, राइट। तो वो होता है ऑफर। तो ये पूरी लैंडिंग पेज में तीन चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैकअप भी आपको रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फनल स्ट्रेटजीज, राइट। फनल कैसे बनाते हैं, स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं। सो देन मैंने वो चीज फाइंड करना स्टार्ट किया, क्या इसमें कोई फनल है, कोई स्ट्रेटजी है कि इसको रिटारगेट कैसे करेंगे। तो मैंने बटन पे क्लिक किया उसका, वो जो एक सिंगल बटन था, देन मैंने उस पर क्लिक किया। यहाँ पर मैं वो पेज दिखा नहीं सकता, बिकॉज वो थोड़ा हो जा रहा कि उसने हाइड करने के लिए बोला, तो मैं इसलिए नहीं शो कर पा रहा हूँ। अदरवाइज मैं उसको शो करने वाला था, बट मैंने उससे एक बार परमिशन ले ली, तो उसने बोला नहीं सर आप ये शो मत करो, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको मैं दिखाता कितना गलत था वो पेज। हो सकता है आप भी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, राइट। तो मैंने देखा उसके बाद कुछ भी रिटारगेटिंग नहीं, इवन उसने ईमेल का सीक्वेंस भी नहीं लगाया था कि अगर कोई बटन पे क्लिक करे तो पॉपअप आए, एंड देन वहां आप अपना ईमेल फिल करो, एंड देन वो आपको रिटारगेट कर पाए, वो भी नहीं था, राइट। तो जब इतनी सारी मिस्टेक करोगे, ना तो आपको अट्रैक्टिव लाइन कॉपीराइटिंग आ रही है, ना तो आपको ईमेल मार्केटिंग सही से सेटअप करने आ रहा है, ना तो आपको लैंडिंग पेज बनाने आ रहा है, तो आप कैसे चीजों को सेल कर पाओगे। थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा समय दो एंड थिंक अबाउट इट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो 101% यू आर सीरियस अबाउट दिस, राइट। सो यही प्रॉब्लम्स है गाइज, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही प्रॉब्लम्स है। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक बार दो तीन स्किल सीखने की जरूरत है। अगर आप एक बार में दो तीन स्किल सीख गए, ट्रस्ट मी यू कैन डू एनीथिंग, राइट। यू नो कि मैं जो कोर्स सेल कर रहा हूँ वहां पर मैं लोगों को स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ, जो मेरा कोर्स है। एक बार आप चेक कर सकते हो, नीचे जाकर उसकी लैंडिंग पेज चेक करो, क्या आपको लैंडिंग पेज अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे बताओ, फीडबैक दो। नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, चेक करो कि मैंने उसका लैंडिंग पेज कैसे बनाया, उसमें ईमेल ऑटोमेशन लगाया है या नहीं लगाया, राइट, उसमें कॉपी राइटिंग की है या नहीं की है। सो ये कुछ गिने चुने स्किल्स है, जो स्किल्स अगर आपको आ जाते हैं, ट्रस्ट मी यू कैन सेल लाइक फायर। एक बार सीख जाओगे, बार बार पैसे कमाओगे, यू नो इतना इतना ज्यादा बेनिफिट कहीं पर नहीं होता है। कुछ 3-4-5 स्किल है, उसको सीखो समझो। मैं ये नहीं बोलता कि मेरा ही कोर्स ज्वाइन करो, किसी का भी कोर्स ज्वाइन करो, या फ्री में बहुत ज्यादा रिसर्च करो, टाइम को वेस्ट करो देन सीखो, या तो किसी का भी कोर्स ज्वाइन करो, 1 महीने 15 दिन में सीखो, एंड देन उसको बार बार अप्लाई करो, फिर देखो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होता है सिर्फ ये 3-4 स्किल से। अगर आप कॉपी राइटिंग सीख गए तो आप कुछ भी सेल कर सकते हो ऑनलाइन, बिकॉज कॉपी राइट इज द गेम, वर्ड सेल्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि शब्द चीजों को सेल करते हैं, राइट। उसके बाद आपको लैंडिंग पेज बनाना आ गया, तो आप किसी भी बिजनेस के लिए लैंडिंग पेज, किसी भी प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। उसके बाद अगर आप ईमेल ऑटोमेशन सीखे, तो आप ईमेल ऑटोमेट करके अपने एफिलिएट की चीजें तो सेल करोगे ही करोगे, प्लस आप किसी भी बिजनेस के लिए भी ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल सेटअप करके उनको दे सकते हो, उससे भी अर्निंग कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप ये 3-4 चीजें सीख जाते हो, आपको बहुत अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाती है, आपको ये भी आ जाता है कि और भी पैसे, एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमाए जाए, राइट। तो इन 3-4 स्किल पे ध्यान दो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आप हजारों सेल जनरेट कर सकते हो। ट्रस्ट मी यू कैन डू एनीथिंग, बिकॉज यू डिजर्व इट, एंड आप इसके लिए काम करो एंड आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।